हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज हम मोदक बनाकर तैयार करेंगे। गणेश चतुर्थी स्पेशल हम मोदक बनाएंगे। जितने सामान में हम लड्डू बाजार से खरीद कर लाते हैं उससे भी कम सामान में हम मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे और देखने में कितना शानदार लग रहे हैं। ये मोदक हर बच्चे को या बड़े बुजुर्ग हर किसी को पसंद आएगा। बहुत कम खर्चा इसमें लगेगा और बनाने में बिल्कुल ही आसानी, कोई भी इसको बनाकर तैयार कर लेगा। गणेश चतुर्थी के भोग के लिए मोदक अपने घर में जरूर बनाएं। हर बार लड्डू बाजार से लाते हैं तो इस बार मोदक बनाएं। आइए हम मोदक बनाना शुरू कर। बनाने के लिए मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, लगभग 100 ग्राम के आसपास है ये। 300 ग्राम दूध लिया है, गुनगुना दूध लेना है हमें। अगर ठंडा लेते हैं तो गुनगुना कर ले पहले। नारियल का बुरादा एक कटोरी, ये मेरा घर पे बनाया हुआ है, इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चीनी लिए, चीनी आप अपनी इच्छा के अनुसार भी ले सकते हैं। मैं यहाँ आधा कटोरी चीनी ले रही हूँ। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और जो हमने गुनगुना दूध लिया था वो कढ़ाई में डाल देंगे। साथ में हम कस्टर्ड पाउडर को भी डाल देंगे। गैस को हमें चालू नहीं करना है, दूध गुनगुना ही है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लम्स फ्री बनाकर तैयार कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर दूध में अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें एक भी लम्स नहीं है, बस हमें ऐसा ही मिक्स करना है। अब हम गैस को चालू कर देंगे और इसको गाढ़ा होने तक लगातार हम चलाते रहेंगे। कस्टर्ड पाउडर और दूध हमारा अच्छे से मिक्स होकर गाढ़ा हो चुका है और ये जब तक गाढ़ा नहीं होगा तब तक हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें बहुत जल्दी गांठे बनना शुरू हो जाती है। लगातार इसको चलाएंगे। अब हम इसमें चीनी मिक्स कर देंगे। जितनी हम चीनी डालेंगे उतनी हमें अच्छे से मिक्स कर देनी है। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। चीनी को भी हम लगातार चलाते रहेंगे। चीनी भी हमारी अच्छे से पिघल चुकी है। अब जो हमने नारियल का बुरादा लिया था वो डाल देंगे। नारियल का बुरादा जो भी इसमें थोड़ा बहुत गीलापन है उसको सोख लेगा और इसको भी हम लगातार चलाते हैं मीडियम फ्लेम पर। एक डो की कंसिस्टेंसी आने तक हम इसको चलाते रहेंगे। नारियल को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नारियल को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ मैंने आधा चम्मच इलायची का पाउडर लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालें वरना इसके बगैर भी इसका टेस्ट बहुत शानदार आता है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें गैस की फ्लेम लगातार मीडियम ही रखनी है, हमें ना तो हाई फ्लेम करनी है और ना ही हमें लो फ्लेम पर इसको पकाना है, बस मीडियम फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे। बैटर हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इसमें से उठाकर देखेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा चेक करना है और इसको हम गोल गोल गोली बनाकर देखेंगे। अगर ये अच्छे से बन रही है तो हम इसको गैस को बंद कर देंगे। ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। डो हमारा ठंडा हो चुका है और एकदम हमें ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये नॉर्मल ठंडा ही होना चाहिए जैसे हम हाथ लगाएं तो आसानी से लगा सके। अब मैं एक मोल्ड ले रही हूँ लड्डू बनाने का। अब हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे या बटर भी लगा सकते हैं ताकि हमारे लड्डू जो बिल्कुल भी ना चिपके। अब हम थोड़ा सा डो लेंगे और इसमें उंगलियों से दबाते हुए अच्छे से भरना है, हल्के हाथ से ही हमें दबाना है और दोनों तरफ हमें डालना है। अब मैंने यहाँ थोड़े से काजू पिस्ता और बादाम लिए, छोटे छोटे कट कर लिए। अब हम थोड़ा सा लेंगे इसमें से और इसके बीच में रख देंगे, इसको अच्छे से दबाएंगे और जो एक्स्ट्रा डो निकल रहा है उसको हम निकाल लेंगे। मोदक एकदम बनकर तैयार हो चुके हैं और देखने में कितने शानदार लग रहे हैं। मैं एक और बनाकर दिखाती हूँ। इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे। आप भी एकदम कम खर्चे में गणेश जी का भोग लगा सकते हैं और ये मोदक हर किसी को पसंद आएगा। खर्चा तो इसका ना के बराबर ही होता है जो हम बाजार से खरीद कर लाते हैं, इतने महंगे भी पड़ते हैं और टेस्ट भी उसका अच्छा नहीं आता, और जो हम अपने हाथों से बनाते हैं उसका टेस्ट हर किसी को पसंद आता है और बनाने में तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। थोड़ी सी फिलिंग डालेंगे, अच्छे से दबाते हुए इसको बंद करेंगे और जो एक्स्ट्रा डो बच जाता है उसको निकालेंगे।
ये वाला मोदक भी बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं हो तो आप अपने हाथों में थोड़ा सा डोल लें और इसको उंगलियों से अच्छे से दबाते हुए इसको गोल गोल बना लें। अगर इसके अंदर फिलिंग भरना चाहते हैं तो इसमें उंगलियों से छेद करें और फिर थोड़ा सा हाथों से फिलिंग उठाएं और इसको जैसे हम गुलाब जामुन को रोल करते हैं ऐसे ही हम इसको गोल गोल कर देंगे। ये वाले लड्डू भी हमारे बनकर तैयार हैं। अगर मोल्ड नहीं हो तो ये बना सकते हैं। टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, बस देखने का अंतर होगा, डिजाइन का अंतर होगा, बाकी कुछ भी अंतर नहीं होगा। इसी तरह हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। सारे मोदक को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैंने चांदी का वर्क लिया है, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं। अगर ना लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके हम लड्डू में लगाएंगे। इससे लड्डू देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। सारे लड्डू को बनाकर मैंने एक प्लेट में रख लिया है और चांदी के वर्क से मैंने डेकोरेशन किया है लड्डुओं का, और ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। बनकर तो एकदम नॉर्मल खर्चे में तैयार हो जाते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी को प्रथम पूज्य गणेश जी देव के भोग के लिए आप भी ये लड्डू बनाकर जरूर ट्राई करें। मैं एक लड्डू को कट करके दिखाती हूँ, ये देखने में तो कितने सुंदर है ही और साथ में कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। फिलिंग भरकर हमने इनके अंदर डाली है। आप भी ऐसे लड्डू आसानी से बनाकर एक बार जरूर घर में ट्राई करें। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।